एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लटीज अर्पिता एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले नया चैप्टर जो कि सेवन्थ स्टैंडर्ड का ही बहुत ही ईजी चैप्टर है, जो कि 2.1 है, फ्रॉम अ रेलवे कैरिज। ये पोएम, जैसे कि यहाँ पे हमको इमेज दिया गया है ट्रेन के बारे में, ये इसके जो सारे सिचुएशन दिए गए इस लाइन में वो सारे ट्रेन से रिलेटेड है। आई होप अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन बीचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज, परियों से तेज, चुड़ैलों से तेज, ब्रिजेस और हैचेस, हाउसेस मतलब बड़ा है, या फिर खाइयों को पार करना, ब्रिजेस को पार करना, हाउसेस को पार करना, एंड चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मेडोज एंड द हॉर्सेस एंड द कैटल, मतलब कि सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे ट्रेन गुजरती है कि हैजेस, ब्रिजेस, हाउसेस को देखते हुए, ट्रूप्स जो सैनिकों का कहीं जगह रहता है वो सब देखती है कि कैसे बैटल्स होते, और जो सारी मेडोज होते, मतलब जो नीचे ग्रास होती है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, कितने पशु दिखते हैं, पक्षी मतलब हॉर्सेस दिखते हैं, और कैटल्स मतलब कितने और एनिमल्स जब हम लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, और ऐसे जब ट्रेन चलती रहती है तो दिखते हैं एरिया में, अलग अलग टाइप्स का एरिया होता है जब हम लोग ट्रेन में मतलब सफ़र करते हैं उसके आगे। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग एंड रेन, मतलब कि जैसे कि और जो सारी साइड्स होती है, अलग अलग साइड्स होती है ट्रेन से जब हम गुजरते देखते हैं, तो ऐसे कैसे कुछ हील रहता है, कुछ प्लेन रहता है, मतलब कुछ ऊंचा रहता है, कुछ प्लेन रहता है, और हम लोग जब ऐसा लगता है हम लोग उड़ रहे हैं, और एज अ रेन में, एंड एवर अगेन इन द विंग ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विस्टल बाय, मतलब कि जो चीज़ हम लोग ट्रेन से ऐसे गुजरते वक्त देखते हैं, हम लोग दोबारा उसको पीछे जाके नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ चलती है, और हम जो मूवमेंट, जो चीज़ हम लोग देखते हैं, अगर हमारी आँख झपकी और हम लोग उस चीज़ को नहीं देख पाए, तो क्या हम उसको दोबारा देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए जो मूवमेंट्स हम लोग देखते हैं वो दोबारा उस पर नहीं देख पाते हैं। फिर जब हम अलग अलग स्टेशन, जैसे जाते वक्त स्टेशन, बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं जिसपे टीटी वगैरह सीटी पे जाते रहते हैं। Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. मतलब कि यहाँ पर एक child, बहुत वहाँ पे जो बच्चे होते हैं या फिर जो भी बड़े रहते हैं, वो लोग चढ़ने, ट्रेन में चढ़ने के लिए छीना झपटी करते रहते हैं कि जल्दी चढ़े, मतलब बहुत सारा संघर्ष करते हैं। ऑल बाय हिमसेल्फ गैदरिंग ब्रैम्बल्स, मतलब कि सारे एकदम मतलब अजीब तरीके से गैदर हो जाते हैं जब ट्रेन आती है, किसी भी स्टेशन पे रुकती है। हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड ग्रेजेस एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्टैंडिंग स्टिंगिंग द ग्रेजेस, मतलब कि जब हम लोग देखते हैं ट्रैम्प वगैरह, कोई भी आवारा अगर कोई रहता है तो वो कैसे किसी को भी घूरता रहता है, मीन्स उसकी जो अजीब अजीब बिहेवियर्स रहते हैं वो भी कई बार गर्ल्स को एज अ टीजिंग फील होता है, बट एट दैट टाइम टीटीज आर देयर। और जो हम लोग जब ट्रेन से गुजरते हैं, कितनी सारी ग्रीन डेजिस दिखती है जिसपे मतलब डेजिस फ्लावर होता है एक। Here is a cart run away in the road, lumping along the with man and load, मतलब कि वहाँ पर जब भी हम लोग रेलवे से नीचे उतरते तो रोड पर हमेशा कोई ना कोई गाड़ियाँ आती जाती दिखती रहती, क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर्स रहते हैं उनको ट्रेन से उतरने के बाद उनका लगेज रहता है, तो उनको गाड़ी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो वो लोग दूर जाते हैं तो रोड पर उनको गाड़ी मिलती है, तो कुछ मैंस रहते हैं जो कि कूली हम लोग बोलते हैं, वो लोग सामान को लोड करते हैं उस मतलब गाड़ी में, या फिर जो भी गाड़ी हो उस पर लोड करते हैं जो ट्रेन से पैसेंजर्स उतरते हैं। एंड हियर इज़ अ मिल, देयर इज़ अ रिवर, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, मतलब कि जो चीज़ें, कहीं मिल है जहाँ पे पिसाई हो रही है, कहीं रिवर है जहाँ से झरना बह रहा है, जो भी मोमेंट्स हम लोग देखते हैं ट्रेन से वो चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते दोबारा, जैसे कि सारा ईच अ ग्लिम्स, मतलब हर चीज़ एक झलक बन के हमारे आँखों में रह जाती है, और उसको हम लोग हमेशा के लिए छोड़ देते, लेकिन हम उसको दोबारा देख नहीं सकते। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझा। इस पूरे चैप्टर में बस यही है कि जो सारे मोमेंट्स हम लोग ट्रेन में इंजॉय करते हैं, भले वो कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई बहुत ही अच्छा मोमेंट्स हो, जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो सिर्फ कुछ पलों का होता है, वो जब तक हमारी जर्नी रहती है तभी तक का होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।